नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज का नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यहां पर आए हैं छत में पाइपिंग करने। यहां पर दोस्तों छत में हम लोग पाइपिंग कर रहे हैं। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि छत में कहीं पर यदि आप पाइपिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग में काम किस तरह से करना चाहिए, उसको सही तरीका क्या है। दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहें तभी आप समझ पाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आज हम बताने वाले हैं बहुत यूनिक चीज़ बताने वाले हैं, कैसे कैसे आपको मेजरमेंट करना है। जैसे हम लोग हर जगह पर मेजरमेंट करते हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, जो कंसील बॉक्स होता है वो आगे पीछे हो जाता है। इसको कैसे प्रॉपर सही तरीका है उसके बारे में हम सारा चीज़ आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कार्टून है, इस कार्टून को हम लोग पहले टुकड़ा कर लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह से हमने टुकड़ा कर लिया है। उसके बाद इसका सही मेजरमेंट निकालने का जो तरीका है उसको हम पहले हम यह चीज़ को देख लेंगे कि जो रूम है ये कितना लंबा चौड़ा है, उसको अकॉर्डिंग ही हम लाइट का सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 30 इंची पर निकालेंगे, जो एक दीवार है वो 30 इंची रखेंगे और दूसरा जो दीवार है इधर से भी हम 30 इंची रखेंगे, यानी यहाँ पर आता है। इसको बाद जैसे हम लोग यहाँ पर तो एक जगह मेजरमेंट कर लेते हैं और इसी तरह से हर जगह मेजरमेंट करना पड़ता है, हर कॉर्नर पर मेजरमेंट करना पड़ता है। तो उसके वजह से एक सबसे बेहतरीन उपाय है, सबसे ईजी उपाय है, आप बिल्कुल आसानी से इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। इस जो पाइप है इसको, ये जो वॉल है दीवार है इसको सेंटर में रखेंगे। उसके बाद इस तरह से इसको बैंड को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सेंटर निकालेंगे। इसमें जितना पुश होगा उतना पर कटिंग करेंगे, इस तरह से कटिंग कर लेंगे और इसको सेटअप कर लेंगे। सेम इस तरह से एक तरफ से हो गया है, इस साइड से भी जितना वॉल आता है इस तरह से, और इसको में भी हम सेटअप कर लेंगे इस तरह से, इसको में भी हम कटिंग कर लेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हो गया है, यहाँ पर भी वॉल का सेंटर में है और यहाँ पर भी वॉल का सेंटर में है। तो यहाँ पर हम एक कार्टून को रख देंगे इस तरह से। और कहीं पर क्या होता है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि लास्ट में कार्टून डालते हैं, जब फाइनली फिटिंग हो जाता है उसके बाद कार्टून डालते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि पहले हम मेजरमेंट निकालेंगे और कार्टून को पहले डालेंगे, उसके बाद कंसील बॉक्स को डालेंगे। और जो कंसील बॉक्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इसमें बालू भरकर रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर बालू भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको पैकिंग किया हुआ है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होता है, बिल्कुल आसानी से ये काम हो जाता है। और यहाँ पर कोई भी जब इसका जब हम लोग स्टेनलेस फिटिंग करते हैं तो बिल्कुल आसानी से इसमें से निकल जाता है। तो इस तरह से इसको में हम रख देते हैं और इसका जो हॉल है आप देख सकते हैं चार तरफ हम इसको ओपन कर दिए हैं। यदि ओपन पहले आप नहीं करते हैं, यहाँ पर फिटिंग कर दिए हैं, तो इसको हॉल को ओपन करने में थोड़ा सा समस्या आता है। तो इसको कहीं पर आप फिटिंग कर रहे हैं तो जो हॉल है वो चार तरफ का हॉल को ओपन कर लें, जो कि फिटिंग करते समय काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद इस तरह से रख देंगे और सभी कॉर्नर पर हम सेम इसी तरह से नापेंगे, यहाँ पर भी हम इस तरह से नापेंगे। इस जो इस वॉल है इसको सेंटर में रखेंगे और इस वॉल है इसको सेंटर में रखेंगे। बस यहाँ पर सेंटर निकल गया है, यहाँ पर रखेंगे। जो ये जो सरिया आ रहा है इसको हम इधर उधर कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर पर रखेंगे। यदि इधर उधर करते हैं, नहीं करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, जब लाइट हम फिटिंग करेंगे तो वहाँ पर उस टाइम बुरा लगता है, खराब दिखता है। तो बिल्कुल ये चीज़ एकदम सेंटर में होना चाहिए। दोस्तों अब हम जो भी मेरा कंसील बॉक्स है, फन बॉक्स है, इसको हम मेजरमेंट कर लेते हैं, सेंटर में रख लेते हैं, उसके बाद पाइप फिटिंग करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा छत का पाइपिंग था वो प्रॉपर चारों तरफ सॉलिड फाइनल हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर आज हम बताने वाले हैं दोस्तों, ये जो मेन चीज़ें हैं इसको आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर ड्रॉप होता है, बैंड डाउन होता है, इसको बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए, सोझा रहना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सीधा है, इसको सीधा रखकर इसको बांध देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांधा हुआ है। और कंसील बॉक्स है या फैन बॉक्स हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फैन बॉक्स है, ये फैन बॉक्स है और यहाँ पर सभी पाइप में बांधा हुआ है, जो कि यदि यहाँ पर नहीं बांधते हैं तो निकलने का चांस होता है। तो इसको बांधना ज़रूरी है, बिल्कुल अच्छा तरह से बांधेंगे। और जो बैंड ड्रॉप होता है वहाँ पर ध्यान रखेंगे, उसको कभी भी जो बैंड जिस डायरेक्शन में डाउन हो रहा है उसको बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यदि तिरछा आता है तो वहाँ पर जब हम लोग वॉल कटिंग करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा समस्या आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि कंसील बॉक्स है उसमें केवल सिंगल पाइप आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कंसील बॉक्स बैठाया हुआ है और इसमें केवल एक पाइपिंग आया हुआ है, जैसे देख सकते हैं इस तरह से एक पाइपिंग इसमें आया हुआ है। तो इसको में बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये कंसील बॉक्स से बाहर पाइप निकाला हुआ है और बाहर निकाल कर यहाँ पर बांधा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। इसको से फायदा यही है कि ये कंसील बॉक्स अप डाउन नहीं होगा, और यदि इसको में एक तरफ से पाइप इसमें इन किया हुआ है तो यहाँ पर
ओपन सील बॉक्स है, ये पलट सकता है यानी उठ सकता है। तो वहाँ पर बहुत जगह देखे होंगे कि जब RCC यहाँ पे सेटिंग खुल जाता है, हम लोग वायर खींचते टाइम देखते हैं तो वहाँ पर कंसील बॉक्स टेढ़ा हो जाता है। तो टेढ़ा होने का रीजन वही है कि आप एक तरफ से इसको में पाइप डाले हैं, और जहाँ पर यदि दो तरफ से पाइप आता है इसमें, जैसे यहाँ पर इस तरह से पाइप आया और इस तरह से आया, दो तरफ से पाइप आया हुआ है कंसील बॉक्स में, तो वहाँ पर पलटने का कोई भी चांस नहीं रहता है। लेकिन कहीं पर यदि एक तरफ से पाइप इसमें आया हुआ है तो इसको आपको आर पार करना होगा। जैसे कंसील है, यहाँ पर मेरे पास एक कंसील बॉक्स है, इसको में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम सेटअप कर रहे हैं, यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं, इस तरफ से पाइपिंग इसको में हमने पुश कर दिया, और यहाँ पर इस तरह से यदि फिटिंग करते हैं तो क्या होता है कि इस तरह से ये उठ सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इधर से ऐसे उठ सकता है। यदि हम इसको आर पार कर देते हैं इस तरफ से और यहाँ पर बांध देते हैं तो ये कंसील बॉक्स अप डाउन नहीं होगा। तो इसी तरह से काम करेंगे। कहीं पर यदि पाइप फिटिंग कर रहे हैं, चाहे वो फैन बॉक्स हो या कंसील बॉक्स हो, यदि उसमें एक पाइपिंग जा रहा है तो उसको में आपको आर पार कर देना होगा। जैसे इस तरह से हम आर पार कर देंगे, इस तरह से आर पार कर देंगे तो ये अप डाउन कभी नहीं करे। दोस्तों यहाँ पर ये जो पाइपिंग किया हुआ है ये दुकान का है। दोस्तों कहीं पर यदि पाइपिंग करते हैं तो दुकान का जो होता है उसका पाइपिंग कुछ अलग होता है, और यदि हाउस में कर रहे हैं तो उसका पाइपिंग कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन दिए हैं, दुकान का भी ऑप्शन दिए हैं, और यदि क्लाइंट ने चाहे कि हमको हाउस यानी बेडरूम रूम के हिसाब से कनेक्शन हो तो बिल्कुल आसानी से रूम के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये है, ये एक दुकान है, इसका मेन गेट जो होगा ये इस तरफ से मेन गेट होगा, जो कि यहाँ पर एक पाइपिंग निकाल दिए हैं, यहाँ से मेन लाइन ले सकते हैं, और यहाँ पर दो तरफ हमने तीन तरफ इसको में डाउन किया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक डाउन यहाँ पर किया हुआ है, और एक डाउन यहाँ पर किया हुआ है, और तीसरा डाउन यहाँ पर किया हुआ है। दोस्तों कहीं पर यदि काम कर रहे हैं तो डाउन कोशिश करें कि सभी वाल में डाउन गिराना चाहिए। जिस तरफ चार तरफ वाल होता है एक रूम में, उसको में आप चारों तरफ डाउन गिराएं, बिल्कुल अच्छा रहेगा। जब आप वॉल कटिंग करेंगे तो बहुत हेल्प होगा, बहुत कम से कम वॉल कटिंग होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये जो छज्जा है इसको में हमने बाहर लाइट दिया है, दो लाइटें यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से हमने कनेक्ट भी कर दिया है, यदि क्लाइंट ने चाहे कि हमको एक जगह से बाहर का बल्ब जले तो एक जगह से जलेगा, और नहीं तो हालाँकि यदि दुकान जो है अलग अलग रेंटर लेते हैं तो वो लाइट को जाहिर सी बात है कि अलग अलग से जलना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर कनेक्शन भी किया है उसी तरह से, यदि क्लाइंट कहेंगे कि हमको अलग अलग जलना चाहिए तो बिल्कुल आसानी से हम अलग अलग जला सकते हैं, और नहीं तो एक साथ भी जला सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक मेन लाइन निकाल दिया है जो कि बिल्कुल आसानी से इस तरह से आएगा, और ये दोनों दुकान में, दोनों ये जो रूम है इस रूम में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद सेम इसी तरह से हमने इस तरफ से भी निकाल दिया है, इस तरफ से आता है और आगे चला जाता है, और इधर भी हमने निकाल दिया है। जब इसमें वायर खिंचाएगा, जिधर सुविधा होगा, जिधर कम वायर लगेगा, उस तरफ हम लोग मेन लाइन इसमें निकालेंगे। दोस्तों हमें उम्मीद है हमने जो यहाँ पर छत में पाइपिंग किया उसको आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तक पहुँचे और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।